Good morning, students. Welcome to English Grammar and Composition class. How are you all? I hope all are fine. And today we are going to learn one new topic, that is adjective degree of comparison. Chapter number 11. So what is degree of comparison? Degree of comparison ki hai? Degree of comparison an adjective of quality changes its form when it is used to compare one noun with another. It is called degree of comparison of an adjective. Means जदों विशेषण की क्वालिटी यानी कि adjective की क्वालिटी चेंज हुंदी है उदों यह एक noun नूं दूजे नाल कंपेयर करन लई यूज किया जाता है. इस नूं डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन एडजेक्टिव क्या जाता है. जिवें कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हां दे आधार ते डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्लैरिफाई हुंदा है. फर्स्ट, अ डॉग इज़ अ स्मॉल एनिमल. एक कुत्ता एक छोटा जिहा जानवर है. सेकेंड, अ कैट इज़ अ स्मॉलर दैन अ डॉग. एक बिल्ली कुत्ते नालों छोटी है. थर्ड, अ माउस इज द स्मॉलेस्ट एनिमल. एक चूहा सब तो छोटा जानवर हुंदा है. इस एग्जाम्पल के आधार से आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन नू नेक्स्ट तीन भागों में पढ़ांगे. ठीक है, देयर आर थ्री डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री. हुण असीं इन्हां नूं वन बाय वन एक्सप्लेन करांगे ते नाल एग्जाम्पल्स करांगे तां जो सानूं डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्लीयर हो सके. फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री. द पॉजिटिव डिग्री इज यूज टू रेफर टू वन ऑब्जेक्ट, पर्सन और प्लेस विदाउट मेकिंग एनी कंपैरिजन. पॉजिटिव डिग्री की वरतों बिना किसी कंपैरिजन दे किसी एक ऑब्जेक्ट, पीपल और प्लेस ते कीती जांदी है उसनू पॉजिटिव डिग्री कह जांदा है. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ अ बिग हाउस. उसका एक वड्डा घर है. जो बिग है वो की है? पॉजिटिव डिग्री. ठीक है, उसकी विशेषता नू दर्शा रहा है बिना किसी दे नाल कंपेयर करन ते. सेकेंड, कंपैरेटिव डिग्री. द कंपैरेटिव डिग्री रेफर्स टू अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव एज कंपेयर्ड टू द पॉजिटिव डिग्री. इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स, पीपल और प्लेसेस. कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री दे कंपेयर ओ उस तो ग्रेटर डिग्री ऑफ नू दर्शाती है. ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री नालों वड्डी हुंदी है. ठीक है, इस दी वरतों दो चीज़ां यानी कि दो टू ऑब्जेक्ट्स, पीपल और प्लेसेस विचकार कंपेयर यानी कि कंपैरिजन करन लई कीती जांदी है. फॉर एग्जाम्पल, हर हाउस इज बिगर दैन माई हाउस. उसका घर मेरे घर नालों वड्डा है. दो जानिआं विचकार कंपैरिजन हो गया, उसनूं की कहा जाता है? कंपैरेटिव डिग्री. नेक्स्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. इट इज यूज्ड टू कंपेयर मोर दैन टू ऑब्जेक्ट्स, पीपल और प्लेसेस. सुपरलेटिव डिग्री जो कि ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नू रेफर करती है. इस दी वरतों दो तो ज़्यादा यानी कि मोर दैन टू ऑब्जेक्ट्स, पीपल और प्लेसेस नू कंपेयर करने लई कीती जाती है. यानी कि दो तो ज़्यादा, ठीक है, उन्हां विचकार कंपैरिजन करने लई कीती जाती है. फॉर एग्जाम्पल, हिज हाउस इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल. उसका घर सब तो वड्डा है. यानी कि इत्थे दो तो ज़्यादा, किन्ने हाउस है? तीन.
तीन दे विचकार जो कंपैरिजन किया गया वा उस नूं कहिंदे ने सुपरलेटिव डिग्री। फॉर्मूलेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कैन बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रूल्स। हुण असीं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज विच फॉर्मेशन करन दे रूल्स पढ़ांगे। वी ऐड ER एंड EST टू मोस्ट वन और टू सिलेबल्स वर्ड्स दैट एंड इन कॉन्सोनेंट्स। जिवें कि पॉजिटिव डिग्री दिती है उस नूं कंपैरेटिव बनाउण लई ER एंड सुपरलेटिव बनाउण लई EST ऐड करांगे। फॉर एग्जाम्पल डल डलर डलेस्ट। होर भी कुछ एग्जाम्पल्स ने जिवें के लो लोअर लोएस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, यंग यंगर यंगेस्ट, काइंड काइंडर काइंडेस्ट। ए सी फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इज when the positive ends in e we add only r and st to the adjective. For example large larger largest। jekar positive de end vich e laga hoya hai ta comparative banon layi r add karange aur superlative banon layi st। okay कुछ एग्जाम्पल्स हैं ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, फाइन फाइनर फाइनेस्ट। नेक्स्ट रूल इज व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई वी ड्रॉप द वाई एंड ऐड आई ER एंड IEST। ओके जेकर लास्ट विच पॉजिटिव दे वाई दिता होया है तो वाई नूं हटा के IER और IEST लगाना है। फॉर एग्जाम्पल लकी लकीयर लकीएस्ट। ओके कुछ होर भी एग्जाम्पल्स ने जिवें कि तुसी देख रहे हो कि हैप्पी कॉस्टली हैवी इन्हां दे लास्ट विच वाई लगा होया है। वाई नूं हटा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाउण लई IER और IEST लगा के इन विच फॉर्मेशन की हुई है। नेक्स्ट रूल इज व्हेन द पॉजिटिव इज वर्ड ऑफ वन सिलेबल दैट एंड्स इन वोवल प्लस कॉन्सोनेंट वी डबल द एंडिंग कॉन्सोनेंट एंड देन ऐड ER एंड EST। जेकर कॉन्सोनेंट तो पहला वोवल लगा होया है तो कॉन्सोनेंट नू डबल करना है। ओके तो कंपैरेटिव बनाउण लई ER और सुपरलेटिव बनाउण लई EST लगाना है। फॉर एग्जाम्पल रेड रेडर रेडेस्ट। नेक्स्ट रूल इज व्हेन द पॉजिटिव इज लॉन्ग दैट इज अ वर्ड ऑफ टू और मोर सिलेबल्स we add more and most before the adjective to form comparative and superlative degrees। उन्होंने किया जिथे के दो या दो तो ज़्यादा syllables हैं, ठीक है उस दे नाल की add करना है more comparative नाल और most superlative degrees नाल। For example useful more useful मोस्ट यूजफुल। ओके तो कुछ होर भी एग्जाम्पल्स दित्तियां हैं जिन्हां नूं तुसी लर्न करना है कि कीड़ी वर्ड्स नाल मोर और मोस्ट लगना है फिर ही कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव विच फॉर्मुलेशन हो सकती है। नेक्स्ट रूल इज देयर आर सम एडजेक्टिव्स दैट डू नॉट फॉर्म द कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स from their positives they have irregular degrees of comparison। yani ki kuch adjectives is tarah de hunde han jinna nu comparatives and superlatives karan di zarurat nahi hundi already they have
इररेगुलर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होंदे हन जिवें कि गुड बैटर बेस्ट गुड वधिया बैटर उस तो वधिया बेस्ट सब तो वधिया कुछ होर भी एग्जाम्पल्स हन एंड लास्ट रूल इज वी यूज दैन विद अ कंपैरेटिव डिग्री यूज द विद अ सुपरलेटिव डिग्री यानी कि जिते दो जाने विचकार कंपैरेटिव करना है उत्थे दैन यूज करना है कंपैरेटिव नाल जिथे ज़्यादे मोर दैन दे नाल कंपैरिजन करना है उत्थे द यूज करना है ठीक है फॉर एग्जाम्पल मोहन इज शॉर्टर दैन रिकी मोहन रिकी नालो छोटा है उत्थे दैन यूज करना है सेकेंड एग्जाम्पल इज फलगुनी इज द शॉर्टेस्ट गर्ल इन हर क्लास फलगुनी अपनी क्लास विच सब तो छोटी लड़की है यानी कि इत्थे जो सुपरलेटिव है वो द शॉर्टेस्ट है बिकॉज इत्थे की होया वा कि सारे नाल कंपैरिजन किया जा रहा है ठीक है कुछ होर भी एग्जाम्पल्स ने ओके जिन्हें तुसी रीड आउट करना है आई होप ऑल आर इंजॉय द टॉपिक सो थैंक यू